पॉजिटिव केस थे, उसके अलावा 7 पॉजिटिव और केस और मिले हैं, तो टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 10 हो गई है। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। और ये जो पॉजिटिव आने के बाद जो विभागीय निर्देश में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग कर रहे हैं। इसमें 5 बच्चे सहरसा बस्ती के हैं, एक बच्चा सनहौरा सिमरी का है और एक मदनपुर सोनवर्षा प्रखंड का है। तो 3 कंटेनमेंट जोन हमारे बन रहे हैं, तीनों में जो आवश्यक कार्रवाई करना वो किया जा रहा है। हम लोग सभी बच्चों को पुनः बुला रहे हैं उनके सैंपल कलेक्शन के लिए, और साथ ही साथ सभी बच्चों के घरों में जो है उनका टेस्टिंग किया जा रहा है, ताकि उनका भी 1-2 दिन के अंदर सैंपल लेके हम लोग उनका सैंपल भेज के जाँच करवाएं। कितने बच्चों का सैंपल लिया गया था, कितने बच्चे के बाद? अभी जो टोटल 180 बच्चे आए थे उस ट्रेन से, उसमें कि 40 बच्चों का रैंडम सैंपल लिया गया था। उस 40 बच्चों में से 21 बच्चों का नेगेटिव आया सैंपल, 7 पॉजिटिव आया है और 12 अभी भी अवेटेड है, रिजल्ट अभी पेंडिंग है। पूर्व के 3 जो थे वो तो ट्रेन से ही हम लोग ले आए थे, तो वो इस काउंट में नहीं है। तो ये फिर आंकड़ा है, और 140 बच्चों का और सैंपल लेना है, जो कार्रवाई अभी की जा रही है। टोटल कितने अभी तक पॉजिटिव? टोटल 10 पॉजिटिव। सर टोटल अभी तक जो सैंपल लिया गया है वो कितना है, कुल कितना है? टोटल 636 सैंपल अभी तक लिया गया है, उसमें 500 नेगेटिव आए हैं, 10 पॉजिटिव है और 126 सैंपल अभी तक रिजल्ट पेंडिंग ऐसा तो नहीं कि माइग्रेंटों के लिए भी जो है केस बढ़ रहा है सर? जो भी कारण हो हम लोग को विभागीय निर्देश के आलोक में वो कार्रवाई करनी है, हम लोग करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।